शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो सीधे रस्ते पर। ये खुदाए गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनब्बे नहीं किया गया था मुतनब्बे कर दो, वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर खुदा की बात पूरी हो चुकी है सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनके सर उलल रहे हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम उनको नसीहत करो या न करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और खुदा से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं, और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो, और खुदा ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं, और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुँचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिलाह नहीं मांगते और वो सीधे रस्ते पर हैं। और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके, तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा, बोला काश मेरी कौम को खबर हो कि खुदा ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे ही। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी आतशीन, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे तमस्खुर करते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं, और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उनके फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। वो खुदा पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रस्ते पर चलता रहता है। ये खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है, और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर न तो उनका कोई फरियाद रस हो और न उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो,
ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आई मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो सरीह गलती में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा, ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं जो उनको उस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी, फिर ना तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे ऐ है हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया, ये वही तो है जिसका खुदा ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था, सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां उनके लिए बेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था तो क्या तुम समझते नहीं थे, यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती थी, सो जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे, और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रस्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे, और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से ना आगे जा सकें और ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं, और हमने उन पैगम्बर को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो उनको शाया है, ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान पुर अज हिकमत है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए चार पाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको उनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें उनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते, और उन्होंने खुदा के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे उनको मदद पहुंचे, मगर वो उनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें, ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा, कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो, भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे, क्यों नहीं, और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाती है, वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की बात चाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।